हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा इन यू जे मास्टरमाइंड। तो गाइस, अनलॉक 5 में क्या क्या चीज है? बेसिकली बहुत सारा चीज रीओपन हो रहा है, लेकिन स्कूल रीओपनिंग के रिगार्डिंग क्या न्यूज है बेसिकली फ्रॉम द गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है स्कूल के रिगार्डिंग कि स्कूल कब से रीओपन होगा? क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस काफी दिनों से चल रहा है, बहुत मंथ्स हो गया, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से काम नहीं चलेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो काफी सारे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछ रहे थे दैट वर्षा दी, व्हेन इज द स्कूल गोइंग टू रीओपन? तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या बोला है स्कूल रीओपनिंग को लेकर, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्कूल रीओपनिंग का न्यूज है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना हु आर ईगर टू गो टू स्कूल, और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी भी स्कूल जाने का मन नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फर्स्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है स्कूल रीओपनिंग को लेकर? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेड दैट ओनली आफ्टर 15th ऑफ अक्टूबर द स्टेट्स कैन डिसाइड। तो जो कि 15th ऑफ अक्टूबर है, उसके बाद ही स्टेट्स जो है वो डिसाइड कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। स्टेट का कैसा सिचुएशन है उसी को देखकर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि स्कूल कब से खुलेगा, क्या स्कूल को रीओपन करना सही रहेगा या फिर नहीं। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, सेकेंड पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट, कि ये बोला गया है कि स्कूल्स कोई पर्टिकुलर स्टेट में सपोज ओपन हो रहा है, रीओपन हो रहा है आफ्टर 15th ऑफ अक्टूबर, तो कोई भी पर्टिकुलर से वेस्ट बंगाल, तो अगर लेकिन वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी अनाउंस हो गया है कि अक्टूबर में तो स्कूल्स नहीं खुलेगा, नवंबर से स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो अक्टूबर में बेसिकली स्कूल्स नहीं खुलेगा इन वेस्ट बंगाल, तो कौन कौन से स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो ये बोला गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट स्कूल्स नहीं जाना चाहता और ऑनलाइन क्लासेस पहले जैसा चलता रहेगा, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है वैसे ही होगा, तो कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर स्कूल्स में नहीं जाकर रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर फिजिकल क्लासेस अगर ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करना चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकता है ऑनलाइन क्लासेस। तो कोई फोर्स नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा स्कूल्स, कंपलसरी नहीं होगा, इट इज अप टू यू स्कूल रीओपनिंग के बाद भी। और अगर हम बात करें तो पहले कैसा सिचुएशन था कि कोई भी पर्टिकुलर स्कूल में बेसिकली ये रूल रहता है कि स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए रूल रहता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए, 11 में भी रूल रहता है, क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए भी ये रूल होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली 10 एंड 12 स्टूडेंट्स को 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी होता है। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि स्कूल्स तो ऑलरेडी इतना मंथ से 6 मंथ्स हो गया अभी तक स्कूल्स बंद है, लेकिन स्कूल रीओपनिंग होने के बाद भी कंपलसरी नहीं रहेगा कि आपको स्कूल्स अटेंड करना ही है, कंपलसरी नहीं रहेगा कि आपको स्कूल्स जाना ही है। आप स्कूल्स नहीं जाकर घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकती हो, तो आप ऑनलाइन क्लासेस घर में बैठकर भी अटेंड कर सकती हो और स्कूल्स जाना यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड ओनली आफ्टर स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम योर पेरेंट्स दे आर गोइंग टू अलाउ यू। तो बेसिकली स्कूल जब खुल जाएगा आफ्टर 15th ऑफ अक्टूबर, काफी सारे स्टेट्स हैं वो लोग डिसाइड करेंगे स्कूल रीओपनिंग को लेकर, तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हो सकता है, कोई 16th, कोई 17th, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट दे हैव देयर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्कूल्स खुल भी जाएगा तो कंपलसरी नहीं होगा जाना, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग स्कूल्स जाएंगे वो लोग को पहले एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा जहां पर कि उनका पेरेंट्स का सिग्नेचर रहेगा, तो आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर रहेगा जहां पर कि उन्होंने अप्रूवल दिया है स्कूल्स जाने को। तो इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स जो है वो अलाउ करेंगे, सो पेरेंट्स जब तक सन या फिर डॉटर को अलाउ नहीं करेंगे दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द स्कूल, तो ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो कि थर्ड पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि आपका स्कूल जो है वो रीओपन हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बाद भी ऑनलाइन क्लासेस वुड बी ऑफ हाई प्रायोरिटी। जो कि ऑनलाइन क्लासेस है जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस वुड बी ऑफ हाई प्रायोरिटी। कोई भी स्कूल जो है ऑनलाइन क्लासेस को बंद नहीं करेगा, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दैट। सो ये न्यूज था अनलॉक 5 के रिगार्डिंग। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।